ट्रैवल विथ पीपल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी जगह पे ले जाऊंगा जो कि ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे जो चाइना जैसी ही वॉल आती है वो हमारी इंडिया में है, वो जगह मैं आपको दिखाने के लिए ले जाऊंगा। वो जगह है कुंभलगढ़, जो कि राजस्थान में है। आप लोगों ने, कई लोगों ने ये जगह देखी भी होगी या कई लोगों ने नहीं भी देखी होगी, तो आज मैं वो दिखाऊंगा। तो वहाँ पे जाने के लिए हमको उदयपुर से जाना होता है। उदयपुर से वो 80 किलोमीटर दूर है, और आप वहाँ पे बाई बस भी जा सकते हैं और बाई कार भी जा सकते हैं। आपका व्हीकल है तो उसमें भी आप जा सकते हैं। और आप वहाँ पे ठहरना चाहते हो तो कुंभलगढ़ के बाजू में ही एक केलवारा विलेज है, केलवारा टाउन है, वहाँ भी आप रुक सकते हो। अच्छी होटल्स है, बजट होटल भी है, रिसोर्ट्स भी है। आप जैसा आपका बजट है उस तरह से आप वहाँ पे रह सकते हो। तो हम जा रहे हैं अभी उदयपुर से कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ के बारे में मैं बताऊँगा। कुंभलगढ़ जो कि ऐसा गढ़ है जो आप बहुत दूर तक पहुँचोगे तब भी आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ 1 किलोमीटर नजदीक से आपको दिखाई देगा। ऊपर है लेकिन ऐसी तरह से बनाया है कि वो आप नहीं देख पाओगे। आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आप लाइक जरूर कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ट्रैवल चैनल में आप सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिल सके और हमको भी अच्छा लगे। तो चलो हम आ गए हैं यहाँ पे कुंभलगढ़ में। उसका जो टिकट का रेट है वो 40 रुपया है, और जो फॉरेन के टूरिस्ट है उसके लिए 600 रुपया है, अलग अलग रेट से। तो हमने यहाँ से हमारा टिकट ले लिया है और अब हम कुंभलगढ़ में अंदर जाएंगे। ये बाहर की दीवारें जो बरसों पहले बनी है, लेकिन उसकी जो कैसे बनाई होगी वो भी एक सोचने जैसी बात है। हम अंदर अभी पहले गेट से अंदर आ गए हैं, और वहाँ पे आते ही यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है। ये जगह में ऐसा बोला जाता है कि 360 मंदिर है, जिसमें अबाउट 300 मंदिर जैन है और दूसरे 60 मंदिर जो कि हिंदुओं के मंदिर है। तो ऐसे ये कुंभलगढ़ है। ऊपर तक आप नीचे से ऊपर तक जाओगे तो आपको अलग अलग तरह से दिखता जाएगा। यहाँ पे लंगूर बहुत रहते हैं तो थोड़ा संभल के रहिएगा कि आपका मोबाइल छीन न जाए। आप कुछ खाना लेके चढ़ते हो तो वो भी आपसे छीन न जाए। आप ऊपर चढ़ना चालू करते हो तो आप पानी का बोतल जरूर लेके जाना, ताकि आप को प्यास लगे, ऊपर पानी नहीं मिलता तो 2-3 बोतल आप लेके जाना, तो आप ऊपर चढ़ते समय पानी की प्यास लगे तो आप अच्छी तरह से जा सकोगे। धीरे 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 यहाँ पे ऊपर आप चढ़ते जाना, बहुत जोर से चढ़ोगे तो आप थक जाओगे। धीरे धीरे रुकते रुकते आप चढ़ना तो आप अच्छी तरह से ऊपर तक पहुँच पाओगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपको थकान लगेगी। ये हमारे आगे एक दादी चढ़ रही है, बुजुर्ग है, लेकिन वो भी धीरे धीरे ऊपर तक चढ़ रही थी। तो कुंभलगढ़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कुंभलगढ़ महाराणा कुंभा ने ये बनाया था, उसके नाम से ही ये, उसका नाम कुंभलगढ़ पड़ा हुआ है। उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर है, और उसकी जो दीवार है वो 36 किलोमीटर लंबी है, और उसकी जो चौड़ाई है वो 15 से 25 फीट है। एक साथ में 3 से 4 घोड़े उसमें साथ में ही दौड़ सकते हैं, इतनी बड़ी वो दीवार है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये दीवार है, उस दीवार पे थोड़ा जाना अच्छा नहीं है, ऊपर आप मत जाओ क्योंकि बहुत पुरानी है तो थोड़ा संभल के जाना पड़ता है, और उस पर आप आराम से नहीं जा सकते। सिर्फ ये गढ़ के ऊपर जाओ, आप ऊपर तक देखते जाओ। यहाँ पे ऊपर जाओगे तो महाराणा प्रताप जो कि बहुत बड़े राजा थे, उसका ये जन्मस्थल भी माना जाता है। यहाँ पे उसका जन्म हुआ था, तो ये महाराणा प्रताप का जन्म स्थल है। आप धीमे धीमे ऊपर जाओगे तो आपको दिखता जाएगा। यहाँ पे तोपे रखी जाती थी क्योंकि ये अवैध किला था, और तोपे भी यहाँ पे रखी जाती है। यहाँ पे पीछे जो ये है तोप रखने का जो जगह है वो यहाँ पे है। अंदर अभी भी कई सारे तोप रखी गई हुई है, और पानी के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी वाव बनाई थी कि ये किले के अंदर आप जब राजा लोग रहते थे और बाहर से कोई आ जाए तो बहुत दिनों तक उसको पानी की जरूरत रहती थी,
तो ऐसा यहाँ पे वाव बनाई थी कि पूरे घड़ का पानी यहाँ से अंदर आ जाए और पानी की कमी न रहे। तो उसके लिए यहाँ पे ये अंदर की साइट है वो पानी का संग्रह के लिए बनी। और इसके लिए जो फिल्टर करने के लिए भी जो इस साइट पे है, यहाँ पे पहले पानी आता था, यहाँ पे कंकर वगैरह डाले जाते थे तो उसमें वो पानी पूरा फिल्टर हो जाता था और पूरे गढ़ का पानी यहाँ से फिल्टर होके नीचे चला जाता था। आज के दिन यहाँ पे कुछ प्रोग्राम था तो उस प्रोग्राम में सुबह में प्रोग्राम तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे जो पहले कैसा था ये कुंभलगढ़ और इसके बाद जो मेंटेन किया उसको हेरिटेज डिक्लेयर करने के बाद, तो उसकी सभी यहाँ पे जानकारी रखी गई थी। 2021 में कैसा रहा और पहले 2010-12 के साल में कैसा था वो यहाँ पे दिखाया गया था पिक्चर्स में। यहाँ पे नीचे पानी और सब कुछ, खेती बाड़ी भी नीचे करते थे क्योंकि बहुत बड़ा ये कुंभलगढ़ है, तो यहाँ पे नीचे मंदिर है और नीचे पानी की जो परब है वो भी यहाँ पे लगाई गई थी। और ऐसे आप धीमे धीमे ऊपर चढ़ते जाओ और अलग अलग लोकेशन से आप ऊपर देखते जाओगे, उसका जो स्ट्रक्चर है बना है वो भी बहुत सुंदर बना हुआ है, उसको अच्छी तरह से मेंटेन भी किया गया हुआ है। अभी हम टॉप फ्लोर के ऊपर पहुंच गए हैं। टॉप फ्लोर जहां पे हम आए हैं यहां से ये नज़ारा आप देखेंगे, जो वो सामने रास्ता दिख रहा है वहां से हम आए हुए थे और यहां से पूरा ये नज़ारा दिख रहा है। यहां पे ड्रोन उड़ाना भी मना है, तो यहां पे हम ड्रोन नहीं उड़ा सकते, ऊपर से ही कैमरे से हम शूटिंग कर सकते हैं लेकिन ड्रोन नहीं उड़ा सकते। और आप ऊपर से देखोगे तो बहुत अच्छा आपको दिखेगा। आप नवंबर दिसंबर में आओगे तो और अच्छा दिखेगा, यहाँ पे ठंड ज़्यादा रहती है, तो आप ऐसे कपड़े भी आपके लेके आना जाके ताकि आपको ज़्यादा ठंड ना लगे। पूरा कुंभलगढ़ आप ये फोर्ट है और 1 से 1.5 घंटे में आप देख सकते हो। यहाँ से आपको नीचे से गाइड भी मिल सकते हैं लेकिन गाइड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती, आपको बहुत डीप में जाना हो तभी आप गाइड ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। आप अच्छी तरह से घूम के नीचे आ सकोगे। आप पार्किंग में थोड़ा मोबाइल का कवरेज का प्रॉब्लम रहता है तो थोड़ा ध्यान रखना। अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो आप लाइक जरूर कर देना और आप सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हमको इंस्पिरेशन मिले, हमको अच्छा लगे और हमारे दूसरे वीडियो भी आपको मिल सके, हमारे दूसरे उदयपुर सिटी के लेक पैलेस के और सभी वीडियो भी मैंने रखे हैं वो भी आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं उसको रख दूंगा। ये लास्ट में हमने जो खाना खाया था दाल बाटी और चूरमा, वो हमने खाना खाया था और खाना खाने के बाद हम फिर से लौटे हैं, तो हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।